धर्म की नगरी सोमनाथ में सच्चे मानव धर्म का संदेश देते हुए पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 28 जनवरी 2021 को सत्संग सुनाते हुए भक्तों को संदेश दिया कि खराब समय की चेतावनी में बराबर देता आ रहा हूँ। खराब समय बहुत टाल दिया गुरु महाराज जी ने, लेकिन कितना टालने के बाद भी खराब समय आएगा। लोग अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं, कर्मों की सजा मिलेगी ही मिलेगी। आप जितना हो सके लोगों की जान को बचाओ, इस समय पर जान को बचाना यही बहुत बड़ा काम है। परमार्थियों के लिए बराबर आप समझाते रहो, लोगों को शाकाहारी रहें, नशा मुक्त रहें। खराब समय की चेतावनी बराबर मैं देता आ रहा हूं, और खराब समय वैसे तो बहुत डाल दिया गुरु महाराज, लेकिन कितना चलने के बाद भी खराब समय आएगा। लोग अपने कर्मों से बाहर नहीं आ रहे हैं, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो जब बुरे कर्म करेंगे तो सजा मिलनी ही मिली होगी। अब उससे बचने के लिए आप अच्छे आदमी हो, इसलिए कोशिश करते रहो, लोगों को बचाने में लगो, जितना हो सके आप अपनी औकात के हिसाब से लोगों के जान को बचाओ। इस समय तो जान बचाना यानी यही एक बहुत बड़ा काम है लोगों के लिए, परमार्थियों के लिए। तो बराबर आप कोशिश करते रहो, समझाते रहो लोगों को कि शाकाहारी रहें, नशा मुक्त रहें। भगवान का जो नियम है उस नियम के खिलाफ काम न करें, ध्यान ध्यान पूजन इबादत करते रहें। बराबर लोगों को आप समझाते रहो, और जिस तरह से आपका यह सब कार्यक्रम चल रहा है अन्य समय लोग साप्ताहिक सत्संग का, आपका रोज ध्यान भजन का, आपका ये जो भोजन गरीबों को खिलाने का, अन्य जो असहायों को खिलाने का ये जो चल रहा है, और जो भी आप चारा भूसा अन्य गौओं का डालते हो, जहाँ कमी है गौशालाओं में नहीं मिलता है, उनको कम मिलता है खाने को, ये सब आप बराबर चलाते रहो, करते रहो। इससे आपकी बरकत होती रहेगी, कमी आपको नहीं पड़ेगी, भाव आपके अच्छे रहेंगे। ये तन मन ये सेवा में जब लगेगा तो उसका भी भजन में आपको लाभ मिलेगा। तो बराबर समय समय पर जो भी आदेश हो रचनात्मक कार्य करने का, जनहित का कार्य करने का, जन सेवा का काम करने का, उसको बराबर अपने औकात के हिसाब से सब लोग करते रहे।